लड़का काम करता था, मुझे कुछ भी काम करने को नहीं होता था। कंधों में दर्द होता था, पैरों में दर्द होता था, हाथ सूजते थे। सुबह उठ के ना मेरा बहुत आज ऐसे गट ऐसा होता था, अकड़ता था। बहुत तकलीफ होती थी चलने फिरने। जब आपने दवाइयाँ लेनी शुरू करी हकीम साहब की, तो कब आपको असर दिखना शुरू हुआ? 8 महीने के बाद। किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं? कोई नहीं, नहीं कुछ लगता भी है। नहीं, मैं किसी को नहीं बता। तो दवाई आपने खुद ही मंगा ली थी क्या? हाँ, मैंने मंगाई। तो सर को कब पता चला कि आप कौन सी दवाई खा रही हैं? जब मैं स्टार्ट किया ना तो पता चला। तो जिंदगी काफी आसान हो गई है 4 साल पहले की और अब में? बहुत। मेरी वाइफ को जब प्रॉब्लम हो गया तो मैंने पहला कंसल्ट प्राइवेट डॉक्टर को किया, देन आयुर्वेदिक था, वो भी ट्रीटमेंट ले लिया। बाद में कोई ने किसी ने बोला तो मसाज करने का, देन वो भी मसाज किया। मसाज करने के बाद उसे एक ऑनलाइन में देखा हकीम सुलेमान, यानी उसी ने ऑर्डर दे दिया। यानी कंटिन्यू उनका दवा चालू है हकीम सुलेमान में, देर इज़ अ गुड रिस्पॉन्स है। जो उनकी पेन हो रही थी या जॉइंट पेन हो या नीचे इधर पेन हो रही थी या इधर पेन हो रही थी, वो बहुत से अभी रिलीफ हो रहा था। ये सवेरे उठने के लिए प्रॉब्लम, उठने के बाद या बाथरूम जाने के लिए, किचन में काम करने के लिए जो भी प्रॉब्लम होता था, ये मैक्सिमम कंफर्टेबल शी कैन वॉक ना। तो मैं वंस अगेन धन्यवाद डॉक्टर हकीम सुलेमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हम सभी पहुंच गए हैं हकीम साहब के आदेश अनुसार गोवा में। इस वक्त मैं गोवा में मौजूद हूं, जिनके घर मैं आई हूं उनका नाम है श्रद्धा जी। गोवा में जिस जगह हम बैठे हैं वो है सेंटा क्रूज। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं श्रद्धा जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? श्रद्धा जी, आप ये बताएं आपकी उम्र कितनी है और घर में कौन कौन है? मेरी 45 है। ठीक है। मैं और मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा है। ठीक है, आप तीन लोग घर पे रहते हैं। ठीक है। हकीम साहब के बारे में आपको किसने बताया और आप किस तरह जुड़े उनसे? ऑनलाइन। ऑनलाइन, यानी यूट्यूब पे आपने उनका प्रोग्राम देखा? अच्छा, कब से देख रही है? 1 साल हुआ। 1 साल से। तो परेशानी क्या रही आपको? मेरे पेन में दर्द होता था। कब से दर्द? एक चार साल। तो डॉक्टर ने क्या बताया ये दर्द होने की वजह? एथलेटिक्स बताया था। अच्छा अच्छा, फिर ऑपरेशन के लिए तो नहीं बोला था? नहीं, कुछ नहीं किया था। दवाइयाँ? हाँ, दवाई चल रही थी। बहुत तकलीफ होती थी चलने फिरने में। बाद में मैं वो टीवी पे देखा, उसमें स्टार्ट किया। कौन सी दवाई ली आपने? टीके, गोंसिया। हाँ हाँ, बोली थी आपने। तो कितने टाइम तक आपने खाई है? अब 1 साल हुआ। 1 साल पूरा आपने खाया? ठीक है। अच्छा, जब आपने दवाइयाँ लेनी शुरू करी हकीम साहब की, तो कब आपको असर दिखना शुरू हुआ? कब आपको ये लगा कि हाँ, धीरे धीरे करके दर्द जो है मेरा कम हो रहा है? अभी 8 महीने के बाद। अब किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं? ज़्यादा तो नहीं, पहले बहुत होती थी। कंधों में दर्द होता था, पैरों में दर्द होता था, हाथ सूजते थे। सूजे रहते थे? हम आपके हाथ देख सकते हैं अभी? अब कोई सूजन नहीं है हाथ में ना? अभी आराम। तो हकीम साहब की दवाई अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं? किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं? कोई नहीं, नहीं लग कुछ रहा भी है। नहीं। यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में आपको पहले से पता था मैम कभी कि यूनानी ट्रीटमेंट भी होता है, इसे अपनाना चाहिए? नहीं, नहीं पता था। नहीं। तो ऑनलाइन देख के ही? आप खुद ही देखती थी या सर भी देखते थे प्रोग्राम? नहीं, मैं ही देखती थी। सिर्फ आप ही देखती थी? तो फिर आपने खुद से आजमाना चाहा या पहले आपने घर में डिस्कस किया? नहीं, किसी को नहीं बता। तो दवाई आपने खुद ही मंगा ली थी क्या? मैंने ही मंगवाई। तो सर को कब पता चला कि आप कौन सी दवाई खा रही हैं? जब मैं स्टार्ट किया ना तो पता चला। तो उन्होंने रोका नहीं कि ये ट्रीटमेंट क्यों, किस लिए? उसे पता था ना मैं बीमार हूँ। कुछ नहीं। और लोगों को बताती है हकीम साहब की दवाई के बारे में? घर परिवार में, फ्रेंड्स? नहीं, फ्रेंड्स में बताती हूं। बताया है आपने? मैम, जब आपको दर्द की शिकायत थी, आपके हाथ सूजे रहते थे, पैरों में दर्द रहता था, चलने फिरने में दिक्कत परेशानी होती थी, घर का काम करने में आपको परेशानी होती थी, तो वो वक्त कैसा गुजरा था? मेरा लड़का काम करता था, मुझे कुछ भी काम करने को नहीं होता था। सुबह उठ के ना मेरा बहुत आज ऐसे गट ऐसा होता था, अकड़ता था। मैं 11 बजे तक मैं ऐसे ही रखती। चपाती करने को नहीं होता था, कुछ काम करने को नहीं होता था। मैं सिर्फ बैठती थी,
वो सुबह कुछ काम हल्का सा काम करती थी, ज़्यादा कुछ नहीं करती। तो ये टाइम 4 साल तक चला, बीच में थोड़ा बहुत भी रिलीफ नहीं मिल पाया आपको दवाइयों से जो आपने पहले ट्रीटमेंट लिया था? नहीं, वो लॉकडाउन में ना बंद किया मैंने लेने का, बाद में ज़्यादा हुआ मेरा। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बता रही है ना? हाँ, आपको ये प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने आपको ये बताया था। किसी तरीके का कोई ऑपरेशन तो नहीं बोला गया था आपको? नहीं बोला गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे बात की और अपनी सेहत के बारे में हमें बताया। और 4 साल एक लंबा वक्त होता है जो आपने बहुत अच्छे से तो सरवाइव नहीं किया है, बहुत पेन में आपने सरवाइव किया है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी विशेज, आप ऐसे ही सेहतमंद रहें और आपको कोई परेशानी इन फ्यूचर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी श्रद्धा जी को, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है हकीम साहब से जुड़ के। वो ऑनलाइन जुड़ी थी हकीम साहब से और 4 साल उन्हें दर्द की शिकायत रही है। डॉक्टर ने कहा था अर्थराइटिस आपको हो गया है और वो ऑपरेशन तो नहीं कराना चाहती थी। ये अच्छी बात है कि डॉक्टर ने अभी कहा नहीं था कि आप ऑपरेशन कराइए। दवाइयों पे वो पूरी तरीके से डिपेंड हो गई थी, लेकिन उन दवाइयों का उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाया। फिर वही बात होती है दर्शकों, जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर एक आखिरी ऑप्शन ढूंढते हैं, लेकिन जो ऑप्शन उन्होंने ढूंढा वो हकीम साहब की दवाइयाँ। हमने उनके हाथ आपको दिखाए जिनमें बहुत ज़्यादा सूजन होती थी, उनका बेटा घर का काम करता था, लेकिन अब ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं है। वैसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है। अगर आप भी हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, यूनानी ट्रीटमेंट घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं, तो ज़रूर आप भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।